नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अब सीबीआई को एक के बाद एक बड़े बड़े सबूत जो कि हाथ लग रहा है, और कहीं ना कहीं इस बड़े बड़े सबूत से ये साफ साफ हो जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात क्या हुआ था और इस मामले में किन किन लोगों का हाथ था। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में सबसे बड़े आरोपी जो कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ मिठानी को माना जा रहा है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकती है दोस्तों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब सामने आया था, उसके बाद से सीबीआई की नजर और एनसीबी की नजर जो कि बॉलीवुड के तमाम ऐसे बड़े एक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, उन पर था, जिनमें सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स थे जिन लोगों पर सीबीआई का नजर था। और कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम ने उन लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन उन लोगों ने कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया। लेकिन एक बड़ा सबूत, पुख्ता सबूत जो कि सीबीआई के हाथ लग चुकी है, जिससे अब ये साफ साफ तय हो जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में बॉलीवुड का कोई कनेक्शन है कि नहीं। आखिर ये कनेक्शन क्या है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। दरअसल जब 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया, उसके बाद से सीबीआई का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के मुख्य आरोपी जो कि रिया चक्रवर्ती है। लेकिन अचानक से रिया चक्रवर्ती गायब हो गई। आखिर रिया चक्रवर्ती कहां गायब हो गई और किस लिए गायब हो गई, इसका भी पता जो कि सीबीआई को लग चुका था। क्योंकि बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ, उसमें सलमान खान, करण जौहर के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स भी शामिल थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी थी। और रिया चक्रवर्ती अचानक से कहां गायब हो गई, तब जाके सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में सीबीआई की टीम ने अच्छी तरह से छानबीन की। उसके बाद से सीबीआई को कहीं से भनक लगा कि रिया चक्रवर्ती सलमान खान के फार्म हाउस पर रह रही है। तब जाके सीबीआई की टीम और ईडी की टीम ने सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर छापे मारा। उसके बाद से वहां तो रिया चक्रवर्ती नहीं मिली, लेकिन रिया चक्रवर्ती के कुछ ऐसे सामान वहां पे मिले, जिससे ये साफ साफ हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे बड़े आरोपी रिया चक्रवर्ती जो कि पनवेल वाले फार्म हाउस में स्थित थी। तब जाके सलमान खान से इस बारे में भी पूछताछ किया गया, लेकिन सलमान खान ने ये साफ साफ कह दिया था कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। आखिर कहीं ना कहीं सलमान खान का वो खुद का फार्म हाउस है और वहाँ पे एक बड़ी आरोपी यानी कि रिया चक्रवर्ती रह रही है, और सलमान खान को ही पता नहीं था कि आखिर रिया चक्रवर्ती उनके फार्म हाउस में रह रहा है। इस बात को लेकर अब सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम ने काफी मजबूती से सुशांत सिंह राजपूत का मामला आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन लोगों से पूछताछ हो सकती है जिन लोगों पर सीबीआई का शक है। क्योंकि इस शक के दायरे में सलमान खान, करण जौहर और बॉलीवुड के तमाम ऐसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो लोग आ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ मिठानी तो अरेस्ट हुए थे, लेकिन इस मामले में अब सलमान खान का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से दिशा सालियान का केस सामने आया था, उस मामले में भी सूरज बंसोली का नाम आया था और उद्धव ठाकरे का बेटा यानी कि आदित्य ठाकरे का भी नाम आया था। अब कहीं ना कहीं इन लोगों का एक बड़ा जाल, बड़ा समूह जो कि सीबीआई को एक पुख्ता सबूत मिल चुका है, और कहीं ना कहीं सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है, इस मामले में अब उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती को फिर से एक बार कोर्ट ने समन भेजा था और इसी बारे में पूछताछ करने वाली है कि आखिर रिया चक्रवर्ती सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर क्यों रह रही थी और वहां पे क्यों स्थित थी। दोस्तों, जैसे इसके बारे में सीबीआई को कोई भी बड़ा पुख्ता सबूत मिलता है या कोई भी बड़ा अपडेट सामने आता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।